जो प्रभु मसीह में विश्वास करता है वह धन्य है। सबों को जय यीशु क्रिस्त में। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में जो संत योहन के पहले पत्र से लिया गया है, हमें यह बताया गया है कि हमारे विश्वास के लिए एक बात अति आवश्यक है और वह यह है कि हम यह स्वीकारें कि प्रभु ही मसीहा हैं। जो कोई भी इस तथ्य को इनकार करता है उसे झूठा और मसीह विरोधी कहा जाता है। जो लोग यह घोषणा करते हैं कि यीशु ही मसीह हैं, उनका यीशु और उनके अब्बा पिता के साथ एक गहरा रिश्ता है। आज के सुसमाचार में योहन बपतिस्ता यह कहते हैं कि वह ना तो मसीह हैं, ना ही एलियस और ना कोई नबी, बल्कि वह प्रभु का मार्ग तैयार करने वाला है। योहन बपतिस्ता आगे कहते हैं कि उसके बाद जो आने वाला है वह उससे अधिक शक्तिशाली है। अगर चाहते तो योहन बपतिस्ता आसानी से प्रसिद्धि हासिल कर सकता था। वह यह कह सकता था कि हाँ, मैं ही मसीह हूं, या मैं ही एलियस हूं, या मैं ही नबी हूं। लेकिन उसने सच्चाई का मार्ग अपनाया। जिस सत्य का मार्ग वह तैयार करने आए थे उनके ही मार्ग पर वह चले। अपने आप को उन्होंने अयोग्य समझा और कहा कि मैं उनके जूते का फीता खोलने तक योग्य नहीं हूं। कई बार हमारे सामने भी इसी प्रकार के प्रलोभन आ जाते हैं कि हम सच्चाई का मार्ग त्याग कर आसानी से धन प्रसिद्धि हासिल कर सकें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ईश्वर के सामने झूठे साबित होंगे और मसीह कहलाने के योग्य नहीं होंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इन पाठों से हम यह संदेश प्राप्त करें कि जो प्रभु मसीह में विश्वास करता है वह धन्य है। वह ईश्वर से अपना संबंध बना लेता है। साथ ही साथ हम अपने जीवन के माध्यम से इन्हीं प्रभु मसीह को दूसरों तक पहुंचाएं, जैसे योहन बपतिस्ता ने किया। ईश्वर हम सबों को आशीषित करें। आमेन।